कलाकारों के पीछे भागते हैं, लेकिन आज का जो ये अवसर है ये विशेष है। आज हमारे बीच एक ऐसी दिव्य विभूति है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के लिए लगा दिया। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से लेकर बिहार, गुजरात, देश विदेश में सेवा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजने का फैसला किया। और ये सम्मान पाने वाली बहुत पहली जैन साध्वी है। उनका परिचय कहते हैं ना, सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धर्मी सब कागज करो, तांगुण लिखा न जाए। मेरे जैसे आम इंसान के वश में तो नहीं है कि उनका जन्म 26 जनवरी 1937 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक संपन्न परिवार में हुआ। माता पिता ने नाम रखा शकुंतला। बचपन से ही शकुंतला को लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए अच्छे काम करना, सहपाठी बच्चों की मदद करना बहुत प्रिय था। छोटी थी तब एक्स्ट्रोऑर्डिनरी जेस्चर के साथ में अपने आसपास के मित्रों की, गांव के लोगों की मदद किया करती थी। और उनका ये भाव देखकर माता पिता को बड़ा आश्चर्य होता था। कई बार सहज में भविष्यवाणियां भी कर देती थी। किसी को भी देखती थी तो कह देती थी कि आपके साथ में ऐसा होगा। माँ श्रीमती प्रेम कुमार कटारिया बच्ची की इस अद्भुत कौशल्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती और प्रतिदिन सोचती कि बच्ची, ये लड़की मेरी बालिका अद्भुत प्रतिभा संपन्न है। एक बार उनके नाना जो काफी प्रतिष्ठित वामपुरी गांव से